यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने एनडीटीवी से चुनाव नतीजों पर बात की है और आरोप लगाया है कि कुछ सीटों पर प्रशासन ने कांग्रेस को हराने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी कांग्रेस राहुल गांधी से रायबरेली सीट ना छोड़कर जाने का आग्रह करेगी। उनसे बात की है हमारे सहयोगी रणवीर सिंह ने। उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस ने इस बार इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया कि लोग लगातार बधाइयाँ दे रहे हैं और बधाइयों का सिलसिला लखनऊ में कांग्रेस के दफ्तर में भी चल रहा है, जहां प्रदेश अध्यक्ष अजय राय साहब पहुंचे हैं। अजय सर, बहुत बधाई आपको। पार्टी ऑफिस में भी काफ़ी भीड़ है। इस बार के जो रिजल्ट्स हैं, इसको पहले किस तरीके से देखते हैं? निश्चित तौर से कार्यकर्ताओं का उत्साह, कार्यकर्ताओं का जो प्यार है, वो रणवीर जी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत अरसे बाद कांग्रेस के अंदर ये एक खुशी का माहौल, लोगों के अंदर जश्न का माहौल, और आम जनमानस इस बार कांग्रेस के साथ, इंडिया अलायंस के साथ जुड़ा है। इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी आपके साथ थी, सपा को कितना बड़ा श्रेय देंगे इस जीत की? निश्चित तौर से सभी लोग मिलकर, हमारे के कार्यकर्ताओं ने, समाजवादी पार्टी, आप पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता, सीपीआई, सीपीआईएमएल, सभी लोगों ने बड़ी मेहनत किया। खुद काम करते थे साइकिल चलाकर, क्योंकि साधन थी नहीं, सब लोग गाँव में जाकर रह जाते थे, पदयात्राएं कर करके उन लोगों ने काम किया इंडिया गठबंधन के लिए, और निश्चित उसका परिणाम बहुत अच्छा आया है। सर, ये माना जाए कि ये जो 2024 का गठबंधन था, ये यूपी के विधानसभा तक चलेगा और आप तब भी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने? तौर से चलेगा। हम जब एक दूसरे के साथ जुड़कर काम किया, और नेचुरल अलायंस है, हम केवल स्वार्थ के लिए नहीं, कि स्वार्थ के लिए नेचुरल अलायंस है, स्वार्थ के साथ जो समाजवादी के साथ जुड़े थे, देखिए वो कहाँ से कहाँ चले गए। हम लोग नेचुरल अलायंस हैं और हम साथ मिलकर काम करेंगे, और निश्चित आने वाले विधानसभा में भी उखाड़ कर फेंक देंगे भाजपा को। बहन जी को इस बार एक भी सीट नहीं मिली, तो क्या इस बार इंडिया अलायंस की कोशिश होगी कि मायावती जी भी आप लोग के साथ आ जाए अगर उत्तर प्रदेश में? जो अभी अलायंस में हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम उनको लेकर चलेंगे, बाकी जो बाहर हैं उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करें। राहुल जी, प्रियंका जी के बारे में बात होगी, राहुल जी दो जगह से चुनाव जीते हैं, इस बार उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी क्या रिक्वेस्ट करेगी राहुल जी से? निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी की रिक्वेस्ट यही है कि जो पारिवारिक गठबंधन सीट है वो उनके साथ रहे, रायबरेली उनके परिवार की सीट है तो रायबरेली के साथ राहुल जी रहे, ये हम सबकी मांग है, ये हमारी डिमांड है। प्रस्ताव भी भेजें? बिल्कुल, हम खुद बात करेंगे, कल CWC की मीटिंग है, कल दिल्ली में रहेंगे, कल वहाँ पर भी जाकर हम ये बात उनसे कहेंगे, ये आग्रह करेंगे कि ये आपकी सीट है, और जिस तरीके से आदरणीय सोनिया जी ने आपको ये कहा कि मैं अपना बेटा सौंप रही हूँ, तो निश्चित तौर से बेटा सौंपने का मतलब है कि जिस तरीके से मैंने सेवा की है उस तरीके से हमारा बेटा भी सेवा करेगा, तो निश्चित तौर से। एक आखिरी सवाल, एक नैरेटिव चल रहा था चुनाव के पहले जब टिकट अनाउंस हुआ कि राहुल जी रायबरेली लड़ेंगे और अमेठी से किशोरी लाल जी लड़ेंगे, कि चुनाव बाद राहुल जी अगर जीतते हैं तो रायबरेली छोड़ देंगे, प्रियंका जी आएंगी चुनाव लड़ेंगी, इस तरह का भी कुछ कोई गुंजाइश है, पॉलिटिकल गुंजाइश? देखिए, जो चीज़ें सामने हैं पहले उस पर बात करेंगे, और निश्चित तौर से प्रियंका जी हमारी नेता हैं, पर जो आज चीज़ें सामने हैं, परिस्थितियाँ हैं, उन स्थितियों में, और जिस तरीके से मैडम ने जिस तरीके से बोला, आदरणीय सोनिया जी ने, जिन्होंने अपनी सीट दी बेटे को, तो निश्चित तौर से उसका मैं समझता हूँ कि सब लोग सम्मान करेंगे। तो उम्मीद है कि राहुल गांधी यूपी इकाई की ये जो आग्रह है, ये जो डिमांड है, इसको मानेंगे, ऐसी कहना है अजय राय साहब का। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया के लिए।